2024 में अमेरिका में भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल की निक्की हेली ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि अगर मैं राष्ट्रपति बनती हूं तो हम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को कतई फंडिंग नहीं करेंगे। एक मजबूत अमेरिका ऐसे लोगों की मदद नहीं करेगा जो बुरे हैं और उससे नफरत करते हैं। हम अपने टैक्स पेयर्स का पैसा इन देशों को देकर बर्बाद नहीं करेंगे। सिर्फ वही लोग भरोसे के लायक हैं जो दुश्मनों के खिलाफ हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारे दोस्तों की मदद करते हैं। निक्की हेली ने आगे कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए पाकिस्तान को $2 अरब की सैन्य सहायता पर रोक लगा दी थी। बतौर यूएन एम्बेसडर मैंने उस फैसले का स्वागत किया था, क्योंकि पाकिस्तान उन आतंकवादियों का समर्थन करता है जो अमेरिकी सैनिकों को मारते हैं। लेकिन बाइडेन सरकार ने इस रोक को हटा दिया। पाकिस्तान में 12 से ज्यादा आतंकी संगठन मौजूद हैं। वहां की सरकार चीन का भी समर्थन करती है। अगर मैं राष्ट्रपति बनी तो ये फंडिंग बंद कर दी जाएगी। निक्की हेली के मुताबिक अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी भेजा जा रहा है। चीन में हम एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए काफी बड़ी रकम देते हैं, जबकि ये सब जानते हैं कि चीन से अमेरिका को कितना खतरा है। हम बेलारूस को पैसा देते हैं जो व्लादिमीर पुतिन का सबसे करीबी सहयोगी है। हम कम्युनिस्ट क्यूबा को भी पैसे देते हैं, जबकि अमेरिकी सरकार ने ही उसे आतंकवाद का स्पॉन्सर कहा था। हमने पिछले कुछ सालों में इराक पर $1 अरब से ज्यादा खर्च किए। इसके बावजूद इराक सरकार उन ईरानियों की करीबी है जो डेथ टू अमेरिका चिल्लाते हैं और हमारी फौज पर हमला करते हैं। निक्की हेली का कहना है कि कई सालों से अमेरिका में चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, हम पुरानी नीतियों के हिसाब से फॉरेन एड देते रहे हैं। ये अमेरिकी पैसों की बर्बादी है। यूएन एम्बेसडर के तौर पर मैंने देखा था कि किस तरह कुछ देश सबके सामने हमारी बुराई करते हैं और बाद में आकर हमसे पैसे मांगते हैं। मैं ये सब नहीं चलने दूंगी। बहरहाल चुनाव से पहले निक्की हेली के इस बयान के काफी मायने तलाशे जा रहे हैं। वही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी दोनों ही तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुने जाने के लिए प्रोसेस मई में शुरू होगी। इसके पहले उन्हें अपनी ही पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन जीतना होगा। इस इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने की दौड़ में शामिल सेनेटर या दूसरे नेता फॉरेन पॉलिसी समेत दूसरे अहम मुद्दों पर राय जाहिर कर रहे हैं। इसका मकसद अपना दावा मजबूत करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।